खबर गया से है, जहां माड़नपुर मोहल्ले के नागरिकों में उस समय आक्रोश व्याप्त हो गया जब अंचलाधिकारी गया के द्वारा एक मकान को तोड़ने आए थे। मौके पर उमड़ी भीड़ ने कहा कि अंचलाधिकारी के एक विधवा निर्मला देवी का मकान को तोड़ने के लिए पुलिस बल के साथ पहुंचे थे। मोहल्ले वासियों के विरोध को देखते हुए वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। निर्मला देवी ने कहा कि जिस जमीन पर उसका मकान बना है उसका पुराना खाता नंबर 500 है और नया खाता नंबर 500/1492 है, जबकि इस प्लॉट पर लगभग 1000 मकान बने हुए हैं। तो फिर एक मकान को किस आधार पर तोड़ने के लिए अंचलाधिकारी आए हैं? उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी जो नोटिस जारी किया उसका खाता संख्या 500/253 है। इस खाता संख्या से मेरा मकान का कोई लेना देना नहीं है, जबकि कुछ लोगों से पैसा लेकर इस तरह की मनमानी करने का मामला प्रकाश में आया है और उच्च न्यायालय को भी गुमराह किया गया है। अंचलाधिकारी के द्वारा दर्शित नोटिस में खाता संख्या 253/500 है, जिसका इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी इस मकान को तोड़ने के लिए आना यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार कहां तक अपनी जड़ें जमा चुकी है। आज जितना भी जमीन का मामला दर्ज है उन सभी में अंचलाधिकारी के द्वारा गलत तरीके से काम करने के कारण ही जमीन विवाद बिहार में बढ़ रहा है। घट गया है कि मेरा मकान, मैं निर्मला देवी बोल रही हूँ, मेरा मकान 1492 प्लॉट पर बना हुआ 500/1492 और नोटिस आया है हाई कोर्ट से 500/1492। हाई कोर्ट से नोटिस मिला, हाई कोर्ट से ब्लॉक से नोटिस मिला है। कौन दिए हैं? सीएस है। हाँ, 253 है, 253 पर नोटिस दिए हैं। हाँ, आपका प्लॉट जो है, हाँ, जो घर बना हुआ है, हाँ, वो कितना नंबर प्लॉट पर है? 1492 प्लॉट पर। हाँ, नोटिस दे करके चले गए, एक बार बैठ हुए और उसके बाद हम लोग 10 बार उनके पास गए हैं, एक बार नहीं बैठ हुए। हम लोग हर समय आता है कि मकान तोड़ देंगे, चेक कर देंगे, और 5 तारीख को मेरा नोटिस दिया, लास्ट में नोटिस दिया गया है 5 दिसंबर को नोटिस दिया गया है, 14 तारीख के बाद। हम तो कितने जल्दी कहाँ से कर सकते हैं? आपको न्यायालय से भी नोटिस प्राप्त हुआ है क्या? नहीं, न्यायालय से नहीं मिला है। न्यायालय से हम लोग को नोटिस, हाई कोर्ट से एक नोटिस भी नहीं आया। हम लोग को 45 किया जा रहा है, हम लोग बाल बच्चा कहाँ जा रहा है ठंडा के मौसम में? 500 प्लॉट में 1000 मकान बना हुआ है, मेरा क्यों तोड़ा जा रहा है? मेरा मकान क्यों तोड़ा जा रहा है? गरीब आदमी के बनिया क्या समझ गया? सही है, बनिया का जान नहीं है, जीवन नहीं है। उसको क्यों नहीं देंगे? जब के तोड़ लेते हम अपने बुलडोजर लगा, हम अपने से तोड़ देंगे। हम तो बर्तन क्या करें, हम तो बाल बच्चे पाँच पाँच चीज खाना नहीं खा रहे। आप गलत रहिएगा तो अपने से तोड़ दीजिए। हाँ, हम अपने से तोड़ देंगे जब के तोड़ लेते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम निर्मला देवी है, कहाँ रहते हैं? बगल में। मैं निर्मला देवी के बेटा हूँ। मुझे बार बार 253/500 का नोटिस दिया जाता है ब्लॉक द्वारा। 253 पर आप घर बना? नहीं, मेरा घर बना हुआ है 500 पे, 253 किसी आसपास का नाम है, बहुत वो जो बहुत आगे है, 253 है नहीं, लेकिन मैं हमें बार बार नोटिस दिया जा रहा है 253/500 पे। आज क्या घटना घटी? आज घटना घटी कि सीओ साहब पुलिस दल के साथ हमारा घर तोड़ने के लिए आए। यहाँ की जनता पूरा उग्र हो गया कि भाई 500 प्लॉट में एक मकान को क्यों तोड़ा जाए तो सभी को तोड़ा जाए। एक ही मकान को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मेरा, एक बगल में मेरा जमीन है उसको टारगेट किया जा रहा है। आपको न्यायालय से नोटिस आया है क्या? नहीं, हम लोग का नोटिस ब्लॉक से आया है। ब्लॉक से कौन दिए हैं? सीओ साहब भेजा है। अब क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, और तोड़ा जाए तो सभी को तोड़ा जाए, किसी को नहीं तोड़ा जाए। मेरा नाम अनुज कुमार के माड़नपुर के मोहल्ला में कुछ दबंग लोगों के साठ गांठ के कारण और हाई कोर्ट के भय दिखा करके किसी गरीब आदमी का मकान को तोड़ने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है ये सरासर गलत है। एक तरफ बिहार सरकार और केंद्र सरकार गरीबों को बसाने का, जमीन देने का काम कर रहा है, दूसरे तरफ मिली भगत से हाई कोर्ट के नाम पर दबंग लोग गरीबों का जो मकान है, जो जीवन यापन करने के लिए रह रहे हैं, उनको हाई कोर्ट के कागज के नाम पर भय दिखा करके उनको तोड़ने जा रहा है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो न्यायालय का उल्लंघन कर रहे हैं अधिकारी लोग।
न्यायालय का उल्लंघन कर नहीं है, न्यायालय का उल्लंघन नहीं है, उल्लंघन का जो न्यायालय का आदेश है उसको सरासरी उसके न्यायालय का जो आदेश है उसके ऊपर अमल करें, उसके आदेश दें, उसको समझें, उसके बाद तोड़ने का आदेश दें, ना कि कोर्ट के नाम कागज ले आए और गरीब को मकान को तोड़ने का काम करेंगे। हम एक यहाँ में बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि एक तरफ हमारे केंद्र की सरकार गरीबों को रहने के लिए 3 मुस्लिम जमीन देने का काम कर रहा है, वादा कर रही है, और कुछ अपने मेहनत से सर अपने लोग अपने झोपड़ी असियाना बनाए हैं उसको हाई कोर्ट के नाम पर तोड़ने का जो काम करेंगे हम बर्दाश्त तो नहीं जिनका करेंगे। घर को टारगेट किया गया, क्या न्यायालय से नोटिस प्राप्त हुआ है? क्या नहीं, न्यायालय का नोटिस नहीं है, उच्चतम अधिकारी का नोटिस कुछ कागज इनको मिला है, वो जो है जिनका मकान है उनसे हम लोगों ने बात किया, सरासर ये गलत है। मकान मालिक तो बोल रहे हैं कि जो भी नोटिस हमको प्राप्त हुआ उसका प्लॉट नंबर गलत है। हाँ, मेरा उस घर प्लॉट नंबर है ये नहीं है जिस घर मकान जो बना हुआ। हाँ, जो 500 के एरिया में जो उनका मकान का नक्शा है उस नक्शा में इनका मकान भाई दी में आता भी होगा तो सारे मकान तोड़ा जाए, इनका मकान क्यों तोड़ा जाए, एक मकान क्यों तोड़ा जाएगा? नहीं बोले जो प्राप्त हमको नोटिस है 253 का तो उसमें मेरा मकान ही नहीं बना हुआ, प्लॉटी नहीं है। ऐसा अब तो जिनका मकान है जो इस जगह के लोग हैं, हम तो दूसरे जगह से आए हैं, हम इनका जो किसी पर अत्याचार होता है जुल्म डाया जाता है उसमें हम लोग खड़े होते हैं। मेरा नाम दिनेश गांधी है, मैं बजरंग दल के गया जिला का नेता है और ऐसे समय में हम सब जगह पे साथ रहते हैं। धन्यवाद।